हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं गूगल क्रोम से रिलेटेड कुछ ऐसे 5 टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने मोबाइल पर अप्लाई करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस फीचर को जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ आए। इसके लिए दोस्तों आप क्या करना है, हमें अपने गूगल क्रोम पर चले जाना है। तो दोस्तों हम अपने गूगल क्रोम पर चले जाते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही अपने गूगल क्रोम पर जाएंगे, हमारे सामने ऊपर 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। तो इस हमें 3 डॉट पर क्लिक कर देनी है। अब दोस्तों हम 3 डॉट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद हमें सेटिंग्स पर चले जाना है। हम सेटिंग्स पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सेटिंग्स पर जैसे ही जाएंगे, हमारे ऊपर सबसे सामने सर्च इंजन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों हम इस सर्च इंजन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना हमें। अब दोस्तों हम जैसे ही सर्च इंजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे याहू का है, उसके जस्ट नीचे बिंग का है, उसके जस्ट नीचे डक डक गो और इकोसिया, इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों हम जैसे ही सर्च इंजन पे क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों सर्च इंजन पे हम जैसे जैसे जिस जिस में हम क्लिक करेंगे, वो सर्च इंजन हमारे गूगल क्रोम में काम करेगा। मतलब कि दोस्तों हम जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र है, लेकिन दोस्तों इसमें सर्च इंजन गूगल है। हम जो भी सर्च करते हैं तो गूगल के थ्रू सर्च होता है, लेकिन दोस्तों हम जैसे ही इसमें याहू का सिलेक्ट कर लेंगे और हम अपने गूगल क्रोम पर कोई भी वेब ब्राउज़र सर्च करेंगे तो याहू के थ्रू होगा। और जैसे दोस्तों हम बिंग है, डक डक गो है, इन जिनमें हम सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू आप कोई सभी वेबसाइट चाहे कोई सभी ब्राउजिंग कर सकते हैं सर्च इंजन को सिलेक्ट करके। तो कुछ इसी तरह दोस्तों आप अपने सर्च इंजन को चेंज करके कोई सा भी सर्च इंजन सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे टिप्स की तरफ। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पे आके इस 3 डॉट पे हमें क्लिक कर देनी, फिर और चले जाना है अपने फिर अपने सेटिंग्स पे। और जैसे दोस्तों हम सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर हमें जाना है अपने नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो हम अपने नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। और दोस्तों हम जैसे ही नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे शो नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हमारे गूगल क्रोम पे हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, तो हमारे गूगल क्रोम पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों ये ऊपर में आपको दिखने लग जाएगा। और दोस्तों हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारे गूगल क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और दोस्तों हम जैसे जस्ट नीचे देख सकते हैं सो ऐप आइकॉन बैजेस लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें बैजेस दिख जाएगा, जो आइकॉन होता है नोटिफिकेशन का उसका। और दोस्तों जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हम जैसे इसको ऑन कर देंगे तो दोस्तों हमारे गूगल क्रोम में कोई भी नोटिफिकेशन जब भी कोई भी आएगा यहाँ पे आपको ऊपर फ्लोट होता दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हमारे गूगल क्रोम में जैसे ही लॉक होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसको हम इसको ऑन करेंगे। तो उसके जस्ट नीचे दोस्तों अलाउ साउंड का ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारा जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसमें गूगल क्रोम में तो साउंड ऑटोमेटिक बजेगा। इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी साउंड नहीं आएगा। अलाउ वाइब्रेशन में वाइब्रेशन आएगा, ऑफ कर देंगे तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगा। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं अलाउ यूजिंग LED लाइट्स। तो दोस्तों हमारे नोटिफिकेशन जब भी आएगा हमारे गूगल क्रोम में, हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारा फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगा। और दोस्तों हम जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो कोई ब्लिंक नहीं करेगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से नोटिफिकेशन सेटिंग आप कर सकते हैं गूगल क्रोम में। अब दोस्तों हम आते हैं अपने 3rd टिप्स की तरफ। तो दोस्तों हमें फिर क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पे सेटिंग्स पे जाना है। तो दोस्तों हम अपने गूगल क्रोम के सेटिंग्स पे चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही अपने गूगल क्रोम के सेटिंग्स पे जाएंगे, हमारे सामने नीचे जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम अपने थीम के ऑप्शन पे चले जाना है हमें। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम डिफॉल्ट लिखा हुआ, आप सबसे ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आपको लाइट और नीचे जस्ट डार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इन 3 ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करने पे क्या होगा। तो दोस्तों हम जैसे कि मेरा मोबाइल सिस्टम डिफॉल्ट पे सेलेक्ट है, तो दोस्तों हम जैसे ही अपने मोबाइल में सिस्टम डिफॉल्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों हम जैसे मोबाइल के सेटिंग्स में जाके अपने हमारा मोबाइल का थीम जो है डार्क करेंगे या लाइट थीम करेंगे। और दोस्तों हमारे गूगल क्रोम पे ये सिस्टम डिफॉल्ट सेट रहेगा। तो दोस्तों हमारा मोबाइल का जो भी थीम रहेगा उस हिसाब से दोस्तों अगर डार्क रहेगा तो ऑटोमेटिक ये मोबाइल का मतलब गूगल क्रोम का थीम डार्क हो जाएगा। अगर हमारे मोबाइल का जो थीम है वो अगर लाइट रहेगा तो हमारा गूगल क्रोम का जो थीम रहेगा वो ऑटोमेटिक लाइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट नीचे आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम जैसे ही इस पर लाइट पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा मोबाइल का थीम डार्क रहे चाहे लाइट रहे,
हमारा गूगल क्रोम जो है हम लाइट में सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और सेम टू सेम दोस्तों डार्क में हम जैसे ही डार्क में सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा, मोबाइल का थीम डार्क रहे चाहे लाइट रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ इसी तरह दोस्तों अपने गूगल क्रोम के थीम को आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अपना चौथा टिप्स बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों फिर हमें अपने गूगल क्रोम के सेटिंग्स पे चले जाना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। अब दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे उसके बाद हमें एक एसेबिलिटी लिखा हुआ ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों हम इस एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे गूगल क्रोम में, तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको टेक्स्ट स्केलिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जस्ट नीचे उसका परसेंटेज देख सकते हैं। जैसे कि हम इसको जैसे ही आगे पीछे करेंगे तो दोस्तों इसके हमें स्लाइड करके हम अपना गूगल क्रोम का जो टेक्स्ट होता है उसको दोस्तों हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम कितना में रखना चाहते हैं जो भी हम ब्राउज़ करेंगे वो टेक्स्ट इसी साइज़ में हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों इसकी मदद से आप अपना टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इनेबल जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम जैसे ही इसको इनेबल कर दिए रहेंगे तो हम कोई से भी ब्राउज़ करेंगे, कोई से भी वेबसाइट, तो दोस्तों हम अपना दोनों फिंगर से वेबसाइट को जूम करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसको इनेबल नहीं करेंगे तो इसमें हमारे गूगल क्रोम में जूम नहीं होगा। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कैप्शन का ऑप्शन। तो दोस्तों हम इस कैप्शन के ऑप्शन पर चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने कैप्शन के ऑप्शन पर जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से भी एसेबिलिटी को ऑन करके यहाँ से लैंग्वेज है, टेक्स्ट साइज है और कैप्शन इसके स्टाइल है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से अपना टेक्स्ट स्टाइल को यहीं से अपने गूगल क्रोम को ब्राउज करते टाइम आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने गूगल क्रोम के लास्ट और पांचवा टिप्स बताने जा रहे हैं। उसके लिए फिर दोस्तों हमें अपने गूगल क्रोम की सेटिंग्स जाना है। तो दोस्तों मैं अपने गूगल क्रोम की सेटिंग्स जाऊंगा और दोस्तों मैं नीचे स्क्रॉल कर जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे के जस्ट ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम इस डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पर जाएंगे सबसे ऊपर ऑप्शन हमें डाउनलोड लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम इस डाउनलोड लोकेशन वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बहुत से लोगों के ये प्रॉब्लम आती है कि दोस्तों आप कोई से भी गूगल क्रोम में कोई भी से भी फाइल, वीडियो, ऑडियो चाहे कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड जब भी करते हैं तो दोस्तों आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों आप अपने मेमोरी कार्ड में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस मेमोरी कार्ड में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डन कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई से भी फाइल आप डाउनलोड करें तो आपके सीधा मेमोरी कार्ड में जाएगा, वो आपके मोबाइल में नहीं जाएगा। तो कुछ इसी तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आस्क वेयर टू सेव फाइल, जस्ट नीचे आप देख दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये हम ऑन कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम जब भी अपने कोई से भी ब्राउज वेबसाइट में ब्राउज करते रहते हैं तो गलती से कोई डाउनलोड का ऑप्शन दब जाता है तो दोस्तों वो फाइल डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसको हम ऑन कर देंगे, अगर डाउनलोड का ऑप्शन दब भी गया तो दोस्तों एक बार फिर वो पूछेगा कि आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे, तो दोस्तों आप जो व्यर्थ का जो डाउनलोड होता है उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड आर्टिकल फॉर यूर ऑन वाईफाई। अगर दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हैं कोई भी आर्टिकल तो आपके वाईफाई के थ्रू करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, अगर नेट के थ्रू करना चाहते हैं इसको ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।